नमस्कार दोस्तों, गोल्डन इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप एटीएम का पिन घर बैठे ऑनलाइन कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आप बैंक खाते का प्रयोग करते हो या एटीएम का प्रयोग करते हो तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल अभी के दिनों में कैसा है कि अगर आपको एटीएम पिन चेंज करना है तो आप नज़दीक के एटीएम ब्रांच में जाना पड़ता है और वहाँ जाके आप एटीएम पिन बदल सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप घर बैठे एटीएम का पिन चेंज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप एसबीआई बैंक का जो है वो एटीएम पिन कार्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन यही सेम प्रोसीजर आप दूसरी बैंक खातों के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लॉगिन करना है और वहाँ पर आपको हेडर में ई सर्विस लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद आपको दाई तरफ रिक्वेस्ट टैब दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। अपने एटीएम कार्ड की डिटेल को टाइप करना है जिसमें डेबिट कार्ड नंबर और तिथि आदि है। इसके बाद आपको पिन चेंज करने का विकल्प मिलेगा, वहाँ पे नया पिन डाल दीजिए और कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आपका पिन चेंज हो जाएगा। तो यही जो सेम प्रोसीजर है वो आप दूसरी बैंक जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI और बाकी सभी बैंकों के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन करना है और वहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का पिन चेंज करने का विकल्प मिल जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड का जो पिन नंबर है वो चेंज कर सकते हो। और यह ज़रूरी भी है क्योंकि बैंक भी अपने ग्राहकों को सलाह देती है कि आपको हर 2-3 महीने में एटीएम का जो पिन है उसको बदलते रहना चाहिए जिससे आपका खाता सुरक्षित रह सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।